इंग्रेडिएंट इज 1 स्पून। हेलो गाइस, आज किचन में घुस गए हैं द जूलियस इज कुकिंग। शक्ल देखो। तो हम दो किस्म के चिकन बनाएंगे आज। एक ब्रॉयलर चिकन, जो नॉर्मल चिकन होता है जो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं खाने के लिए वाला, और एक चिकन बनाएंगे हम जो आपको मंथल में मिलता खाने के लिए, जिसको बेसिकली पेरेंट कहा जाता है। तो वी विल मेक दो अलग रेसिपीज, बेसिकली एक रेसिपी जिस मतलब उससे किसी भी तरह का नॉनवेज बन सकता है। एक वो बनाता हूँ और एक थोड़ा सा अलग सा बनाऊंगा ताकि सब दो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आ जाए। ठीक है, करें शुरू। चलो आओ इधर। ये प्याज इसमें करके रखा मैंने छोटा छोटा, ये दूसरे चिकन के लिए। ये चिकन और उसमें कुछ पोटे वोटे जो है वो धोके रखे हुए हैं। और इधर आ जाओ। ये कढ़ाई में तेल जो है ये मैंने पहले ही गर्म किया हुआ, तो इसको ऑन कर दे रहे हैं। और इस कुकर को इसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैंने गर्म किया हुआ है ऑलरेडी, और इसको भी हमने ऑन कर दिया। इसके अंदर मैंने इधर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैं थोड़ा हमने अदरक और लहसुन का ना पेस्ट नहीं बनाना है, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रहे इस तरह से, देखो इधर से इसमें फोकस है, इस तरह से छोटे छोटे पीसीस रहे हैं उसके। तो ये है मोटी इलायची, तेजपत्ता, जीरा, ये सौंफ जो है इसको थोड़ा सा पीस लेना है ताकि सौंफ भी रहे और थोड़ा थोड़ा पाउडर भी रहे, दोनों काम आ जाए, मुँह में आएगी अच्छा लगेगा। ये है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, ये सब मसालों का जो मिक्सर है ये, इसको एकदम तेल गरम कर लेना है और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बंद करना है और ताकि ये उछले ना बाहर। और फिर इसमें हम ये मसाले सारे ये दो चिकन के लिए मसाले, एक ही चिकन के लिए, एक चिकन में इतना मसाला? हाँ जी, यस, ओके। ये हमने डाला तेज पत्ता बीच में पहले, और अब हमने डाली ये मसाले भी जो भुनेंगे इस तेल में, ज़्यादा देर भूनना नहीं है इसको। हींग, कितनी डाल दी हींग? डालते हैं जल ना जाए इसलिए सीधा प्याज अंदर जो हमने चॉप करके रखा है, जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखा है इस प्याज को, तेज तेज आज पे थोड़ा सा भूनेंगे। यार मैं एक्चुअली तेल ज़्यादा नहीं डालता तो इसलिए थोड़े भूनने में प्रॉब्लम होती है, और अगर थोड़ा ज़्यादा तेल डालूँगा तो बहुत अच्छे से भूनता है ये, बट अच्छे से तो ये भी भुनेगा। अच्छा, अब सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, सीक्रेट इन्ग्रीडियंट इज 1 स्पून शुगर। जब भी कोई चीज़ आप नमकीन या तीखी बनाओ तो उसमें एक चम्मच चीनी ज़रूर डालो, और जब भी कोई चीज़ आप मीठी बना रहे हो तो उसमें चुटकी भर, ज़्यादा नहीं बिल्कुल चुटकी भर हल्का सा सॉल्ट उसमें ज़रूर डालो, वो एक अलग सा फ्लेवर ऐड कर देता है जो मतलब डिस्टिंग्विश कर देगा आपकी चीज़ को बाकी सब कर। तो बाकी सब भी ऐसे ही रहे, बना तो सब ऐसे ही रहे, क्या आप अलग करो। इससे क्या होगा, इससे प्याज में जो है ना वो जो कैरमल कलर है वो अच्छे से आता है शुगर की वजह से। हम थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डाल देंगे सो दैट ये प्याज आसानी से गल जाए, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है तो हमने बाद में भी डालना चिकन में। तो ये थोड़ा सा सॉल्ट डाला, थोड़ा इसको प्याज को भूनने देंगे हम मीडियम आंच पे। तो जब तक ये प्याज भून रहा है यहाँ पे, हम तब तक अपने दूसरी साइड वाले
चिकन की साइड चलते हैं। सो तेल हो गया गरम, फिर से दो बार गरम कर दिया हमने उसको, बंद किया। डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और उसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया है मसाला। इसको मिलाते रहना है, मतलब इसको रुकना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा एक मिनट में ही, मतलब विद इन 30-40 सेकंड से जल जाता है अगर आपने तेज गैस पर रखा है। इसको मिलाते रहना है, खुशबू देख रहे हो नाउ। इसमें थोड़ा सा भूनना है इसको, थोड़ा सा, और फिर इसमें डाल देना है हमने प्याज। गोल्डन ब्राउन हुआ ही था, अभी हमने डाल दिया, अगर हम 10 सेकंड भी लेट हो जाते तो ये काला पड़ जाता क्योंकि आंच हमने तेज रखी है, अभी भी तेज ही है। तो इसको आंच को करें कम, यार एक और दे दो फिर से। कौन सा वाला चाहिए? ऐसा ही, ये है ना छोटे वाले। इन बिटवीन ये हो ही रहा है, अभी कैरमल ब्राउन होना शुरू हो गया है प्याज, धीरे 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 गोल्डन होना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ा सा और भूनेंगे हम लोग, बाद में इसमें ऐड करेंगे वो। तो इसमें डालेंगे अब हमारा एज यूजुअल पोटैटो फ्लेक्स, सीक्रेट इंग्रेडिएंट हेडिस। इसमें मसाला कम है तो चीनी थोड़ी कम, थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट ऐड करते हुए ये ध्यान रखना कि आपने बाद में जब चिकन डालोगे तो भी उसमें सॉल्ट ऐड करना है, तो प्याज में बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करो, वो ऐड वो नमक नमक ज्यादा ना हो। चलो जी, एक तरफ ये भून रहा है और एक तरफ वो भून रहा है, तो अब हम डालते हैं ये, इसमें देखो, इसमें देखो प्याज, अब इधर अपने राजो प्याज कैरमल ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें इसमें हमने अदरक लहसुन पहले डाला था, अब तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको गैस को थोड़ा सा हम सिम कर देंगे, सो दैट प्याज को टाइम मिल जाए वो होने का, गलने का। मीनवाइल ये वाला जो माहौल है ये काम हो चुका है, ये बन चुका है मसाला तैयार। फटाफट 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 इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, सो दैट हम इसमें अब वो ऐड कर पाए, नमक मिर्च, नमक बोल रहा हूँ सॉरी, बाकी वाले मसाले ऐड करते हैं। तो शक्ल कैसी लग रही है? गुड गुड है। मेरा मन कर रहा है मैं इसमें पनीर डाल दूँ। इस जगह तो उसको आने दो, आया कलर इसको भूनने देंगे हम, और इसको एकदम बिल्कुल गोफो भी कर देंगे। इसमें जाएगी हल्दी, अच्छा यार एक एक चीज बता दूंगा, मेरे को ना ये वाले चोचले कभी समझ में ही नहीं आए कि इसमें एक चम्मच हल्दी डालो तो इसमें दो चम्मच लाल मिर्च डालो, इसमें 25 ग्राम डलेगी तो 30 ग्राम डलेगी। अरे सबका अपना अपना टेस्ट है, जिसको जिस हिसाब से समझ में आता उस हिसाब से डालो और खाओ। आप एक दो बार खाना खाओगे तो इफ यू लर्न टू
गेट द टेस्ट ऑफ द थिंग्स ना, खाना खाते हुए अगर आपको समझ में आएगी इसमें क्या क्या डाला हुआ है, देन यू विल हैव एन आइडिया कि इसमें हमको क्या डालना है। अच्छा, मैंने इसमें डाला है हल्दी, लाल मिर्च और धनिया मोर। यह होममेड गरम मसाला जिसको साला सब व्लॉगर व्लॉगर रेस्टोरेंट वाले जो है सीक्रेट मसाला बोलते हैं। और ये हमने छुपा के रखा हुआ है। इसीलिए सीक्रेट मसाला ना ये। मैंने सोचा था आपके इस ब्लॉग में मैं अपनी आवाज आने ही नहीं दूंगी। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो तुम बोलोगे तुम मत मेरी आवाज दबा रहे। देख ना कुछ भी। हाँ तो पानी भरा ग्लास कहाँ है। तो मसाला डालने के बाद थोड़ी सी गैस तेज करें और उसमें थोड़ा सा पानी और डालें तो दैट मसाले को फूलने की जगह मिल जाए। इस मसाले को ना भुनने देंगे लो आंच पे। लो वाली ये मसाला भी बुला रहा है आपको। ये मसाला जो है ये हो ही चुका है, ये प्रॉपरली हो चुका है। अब ये भी बोल रहा है कि मेरे अंदर भी अब नमक मिर्ची का जो है वो तुम बद गया जाए तुम बाप। हल्दी ये खूब सारी, लाल मिर्च पापा नहीं खाने वाले हैं ये मेरे ख्याल से। खा रहे हैं इतनी मिर्च, इतनी नहीं है वो कम। बब्बी अंकल कभी ना खाए ये। अभी नहीं खा रहे थे तो मैं इसको हाथ ही नहीं लगाता। और आई मेड इट अ वाइट चिकन, इसमें रंगत आएगी मसाले में भी वाह वाली। इसमें ये देखो इसको भुनने देंगे। पता है क्या है? ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कुकिंग इन अ नॉनस्टिक वन एंड इन अ नॉर्मल एल्युमिनियम वाले बर्तन में। उसमें ना खाने की रंगत बहुत अच्छी आ रही है। किसमें? दूसरे वाले? दूसरे वाले नॉनस्टिक नहीं, इसमें भी अच्छी आ रही है। नहीं, इसमें बहुत वक्त लगेगा मुझे वो कलर लाने के लिए। पानी डाला तो बड़ा था, नीचे लग रहा था वो, इसलिए मैं गैस में थोड़ा सा मतलब फ्लेम भी तेज किया। अब हम इस मसाले को गलने देंगे, बिल्कुल सूखने देंगे गल के वाला को। और दूसरे वाले को फोकस करें। ये मसाला इज रेडी। This masala is asking के चिकन इस मुझ में डाल दो। So here comes the chicken. ये कुछ 700 ग्राम का चिकन है। 700 grams was the weight after कटने साफ होने के बाद 700 ग्राम का। एंड देन 400 ग्राम के करीब इसमें पोटे डाले गए हैं बिकॉज मम्मा को मेरे मदर एंड फादर दे बोथ लाइक द पोटा। अच्छा एक और चीज, और जब भी सूखा चिकन बनाना है आपने जिसमें आपको ग्रेवी नहीं करनी तो आपको मसाला उतना सा ही तैयार करना है कि जब आप उसको मिक्स करो चिकन को उसमें, इधर दिखाओ, तो वो ऐसा लगे ना कि ये मसाले में, इट शुड बी ऐसा लगे कि मैरिनेट करके किसी ने बीच में रख दिया। तो अब हम इसको ढकेंगे और इसको देंगे हम पकने। तो ये चलेंगे भाई साहब उस पर, हम इनका देखें क्या इनका होगा। ये आया पहला फ्रेंड अब इसमें चिकन में एक्चुअली में ये बाकी लोग करते हैं नहीं करते मुझे पता नहीं है, बट मैं इसमें फ्लेवर बनाने के लिए चिकन मसाला
और मटन का मसाला दोनों मिक्स करके डालते हैं। धीरे धीरे डिफरेंस इसमें मुझे सारा मसाला पहले पकाना पड़ेगा इसमें। उसमें वो जो चिकन है वो बहुत आसानी से ना मसाले को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो ब्रॉयलर होता है चिकन जो हम नॉर्मली शॉप से लेके खाते हैं वो चिकन बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको मसाला डालो, थोड़ा सा भूनो और उस भूनने के बाद उसके चिकन को उसमें डाल दो, चिकन बनते 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 मसाला भी बनते जाएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। इसमें इसको बनाने के बाद मतलब इसको राड़ वाड़ लगाने के बाद भी इसको मुझे सीटियां लगवानी पड़ेगी। सो जब विसल लगाऊंगा तो थोड़ा सा पानी होगा इसमें, तो अगर इसका मसाला थोड़ा सा भी रह गया तो वो पानी के बीच में ऐसे प्याज वगैरह तैरते हुए देखे तो इट हैज टू बी प्रॉपरली एकदम पहले से, तो सब चीज इसी मसाले में अब्सॉर्ब हुई हुई चाहिए मुझे। उसके बाद इसमें चिकन डाला जाएगा। ओके, चिकन को थोड़ा सा दम लग गया और चिकन में हम डालेंगे सॉल्ट, तो अपने अपने स्वाद अनुसार। सॉल्ट डालें, पहले हमने मसाले में भी डाला था तो थोड़ा ज्यादा ना हो जाए तो इसलिए बहुत है ये। और अब इस चिकन को मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे सो दैट ये अपना पानी छोड़े। अब तक आओ दूसरा वाला चिकन जो है अच्छी स्थिति है, उसका मसाला काफी हद तक हो चुका है। अब वो मांग रहा है कि भाई मेरे अंदर भी चिकन को डाला जाए। अच्छा, जब भी हम चिकन बनाते हैं ना, जब हम मसाले में चिकन ऐड करते हैं, जो पहले पीस के साथ जो मसाला लगता है और जिस तरह का वो दिखता है, That is how your chicken is going to be in the end, if you can say it right. मतलब अभी इसकी शक्ल देख के तो मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत ही लाजवाब चीज बनेगी। बस देखते दो इसको ना, हमने बंद करना काफी देर के लिए, तो इसको हम एक ही बार में क्या क्या डाल रहे हो? नमक डाल रहे हैं बस इसमें एक ही बार में, सो दैट इसमें नमक डालने के बाद मैं इसको ऊपर से ढक के रख दूं और ये अपने अंदर वाले जो फैट्स हैं वो रिलीज करें, सो दैट हमें थोड़ा सा मसाला भूनने में आसानी हो जाएगी इससे। इनको दिया हमने ढक तो बंद नहीं करना है, मैंने थोड़ी सी जगह रखी है हवा निकलने के लिए। इसमें अब हम स्टीम पे थोड़ा सा पकने देंगे इसको भी और उसको भी। एंड बीच में हमने कुछ चीजें ऐड करनी है दोनों चिकन में, फिर ये चिकन रेडी हो जाएंगे बन के। तब तक थोड़ी देर से ऐसे बिल्कुल ऐसा इसको जो है जो ब्रॉयलर चिकन है उसको आपको हर 5 मिनट में एक बार आके बस रेड आवाज भी ले लो। जो ये वाला है इसको बंद किए मैंने तो धीरे धीरे ये तेल में पकेगा अपने, तो इसको भी ऐसे छोड़ दें इसको 10 मिनट के लिए भी छोड़ दो, बस नीचे नहीं लगना चाहिए इसको, वो टाइम लगने वाला अभी। तो चलो चिकन को चढ़े हुए 5-7 मिनट हो गए, इसमें पानी जो है वो काफी सारा कर दिया, तो अब हम इसमें डालेंगे काले मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद अगेन
मिक्स कर लिया है और ये हमने कर दिया है इसको यहाँ पे ऐसे इकट्ठा, सो दैट ये स्टीम में भी पके। हम चढ़ा रहे हैं इसके बाद ऊपर से इसको ढक्कन, अब ये फिर पकने के लिए छोड़ दिया हमने। अब हम आएंगे दूसरे चिकन की तरफ। तो ये तो अरे वाह वाह, इस जगह पर इसकी भी भुनाई कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको एक आधा रेड़ा मार के इसको वापस से ढक के रख देंगे हम, फिर इसको सिम कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे अच्छा इसमें नहीं डाला था मैं। चिकन मसाला, यहां से यहां तक का सफर। हाँ हाँ, और चिकन मसाला डालने के बाद हम इसको फिर से एक बार मिक्स करेंगे। और अभी तक ऑलमोस्ट गल गया है ये, बट स्टिल 20-25 मिनट का भी काम रहता है उसके बाद बीस इसको। पच्चीस मिनट फिर इसको हम उसके बाद लगाएंगे राड, 10-15 मिनट और लगेंगे पकने में, फिर उसका इसको हम राड लगा के, राड राड मतलब मतलब भूनेंगे इसको। वो तो अभी भी तो भुन हो रहा है गल तो भूनना कैसे? पक रहा है, भूनेंगे तेज गैस पे, कि जब मतलब अगर आप एक बार उसको हिलाने के लिए वो जो लेट हो जाओ तो वो जल जाए नीचे से, उतनी अच्छा तेज में उसको मतलब हर एक तरफ से भूनना, पूरा मसाला भी भुन जाएगा और चिकन भी भुन जाएगा। सो ये तो लंबी मैराथन है, तभी शुरू ही हुई है। इसको लग गया है रॉड और पिस्ता वाला चिकन जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐड करना है और दिस इज द ड्राई चिकन। आप इसको चखने की तरह खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, बट देखो ये मतलब कितना ड्राई है ये, हाउ अमेजिंग इज इट, बताओ कैसा, शक्ल बताओ देखो कैसी लग रही। बहुत बढ़िया। डन फाइनल टच, और ये होगी गैस बंद। इसको बोलते हैं ड्राई चिकन, है कहीं पे आपको ग्रेवी तेल वाला मसाला कहीं देख रहा, साइड में भी देख लो, नहीं। सो दिस इज डन प्रिपेयर्ड, ये गल चुका है प्रॉपर। अब इस चिकन हमने डन कर दिया है, दिस इज शर्ट कहाँ गई आप? यार गर्मी लग रही है बहुत। अब ये दूसरा चिकन जो है इसमें काफी सारी ग्रेवी तैयार कर ली है, इसमें पानी नहीं डाला आपने? नहीं ये चिकन ने अच्छा अपना फैट और पानी छोड़ा, तो जब इसने अपना फैट काफी सारा छोड़ दिया, देख के ही दिख रहा है वो कि पीसेस छोटे हो गए पहले से, तो अब ये पूरा ऐसे आ जा रहा है, तो हम इसमें पानी डालेंगे ही नहीं ऊपर से, ये चिकन का ही अपना फैट और पानी है, इसी में इसी में इसको विसल करवाएंगे। डन यस अब इसको विसल्स आएंगे 2 से 3, 3 विसल्स या 2 विसल्स पे हम इसको बंद करके चेक करेंगे, अगर प्रॉपर गल गया होगा मेरे को उसके बाद भी इसको अभी चलाना है तो फिर मैं तब जोड़ूंगा, अगर नहीं गला होगा तो फिर और विसल लगवा लेंगे, बट होपफुली 2 में गल जाना चाहिए, 3 में गल जाना चाहिए अच्छी।
तीन लगवा देंगे। चलो डन आपका दूसरा वाला चिकन। हेलो डन डन, एक मिनट में आपको उसकी शक्ल दिखाता हूँ। हाँ हाथ फोकस में आ रहा है बार बार। बन गया। यस मुझे देखने में मटन क्यों लग रहा है? दिस नॉट मटन बट ये टेस्टी उससे ज्यादा है। आप एक बार वंस यू स्टार्ट ईटिंग दिस ना देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम हियर। ये सब मैं रखो मत। गुड सो भाई ये हो गए हमारे चेफ का खाना तैयार। अच्छा इसमें एक चीज हमारे चेफ जी। हाँ जी, जैसे आप इसको जब सीटियां लगवाई थी हमने, हाँ, तो इसको सीटी लगाने के बाद शायद उसका वीडियो नहीं बनाया सीटी लगवाने, हाँ, तो चार विसल्स लगवाई, हाँ, शायद बनाया था वीडियो, हाँ, तो चार विसल्स लगने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था। अच्छा तो मैंने इसी ग्रेवी जो है वो अभी कर रहा हूँ सो दैट इसमें मसाला ना रिच गया पिछले तीन चार घंटे। जब इसको आप छोड़ दोगे ना चिकन अपना ऑयल छोड़ता है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा सारा। आप थोड़ा टेढ़ा करोगे तो निकालना जरूरी जस्ट लाइक दिस। अच्छा ये एक केजी चिकन में इसमें से ये इसका तेल निकाला। चिकन का ऑयल है ये कब निकाला आप? निकाला अरे बताया नहीं मेरे को, मैं शूट कर लेती वो भी। सॉरी गाइस, ये देखो ये निकाला मैंने ऑयल इसमें से। कैसे निकला ये ऑयल? ऊपर ऊपर से चिकन में। वाह छोड़ दो ना वो ऊपर 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 ऊपर। तो धनिया वनिया हो गया। यस ऑल डन। ये हमने सैलेड भी काट दिए। वाओ अब व्लॉग का एंड भी कर दो आप। ये आप ही का व्लॉग है जोर से। यस तो दो किस्म का चिकन बनाना सिखाया मैंने आज आपको। एक अगर आपके पास गरम मसाले हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दो, मतलब वो नॉर्मली बनाया था क्योंकि हमने गरम मसाला वाला ऐड किया। अब जब नेक्स्ट टाइम आई कुक आई विल शो यू समथिंग अबाउट डिफरेंट। वेट फॉर द व्लॉग जिसमें मटन बनाना सिखाता हूँ आप लोगों को बिना घी तेल के। एंड अब मैं बता दे रहा हूँ तो मतलब आपको पता चलेगा, अदरवाइज इफ आई मेक इट एंड सर्व इट टू यू यू विल नेवर गेट टू नो कि उसको उसमें तेल नहीं है। ओके तो गुड लक, आप लोग इंतजार करो जब मैं जाके मटन खरीदूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अगर नया कंटेंट पसंद नहीं आता और मेरा आया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यस तवे से पेंडे ब्लॉग एंड होना मैंडेटरी। चलो गाइस लव यू ऑल।